मॉनसून मुंबई की सूरत बिगाड़े से पहले फायर ब्रिगेड ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसके तहत एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, जिसमें समंदर में डूबने पर किस तरह से लोगों को बचाया जाए, इसका प्रदर्शन किया गया। खासकर हाई टाइड के दौरान उनकी टीम मुंबई के जोखिम वाले सभी बीच पर तैनात रहेगी। कैसे इस बार ये मॉक ड्रिल हुआ और कैसे एक एहतियात हो रही है कि अगर कुछ मॉनसून के दौरान मुश्किलें आती हैं तो उसका सामना किया जाए, इस रिपोर्ट में देखते हैं। मुंबई के मरीन ड्राइव बीच पर फायर ब्रिगेड की बीच सेफ्टी टीम समंदर में डूब रहे लोगों को बचाने की जद्दोजहद में जुटी है। काफी मशक्कत के बाद वो अपने इस ऑपरेशन में कामयाब होती है। दरअसल ये सब हिस्सा था फायर ब्रिगेड की मॉक ड्रिल का, जो आने वाले मॉनसून को ध्यान में रखते हुए की गई। मुंबई फायर ब्रिगेड का कहना है कि हाई टाइड के दौरान उनकी बीच सेफ्टी टीम दादर चौपाटी, जुहू बीच, गौराई बीच, वर्सोवा और अक्सा बीच और गिरगांव बीच पर किसी भी हादसे के लिए तैनात रहेगी। इसके अलावा मुंबई में बाढ़ जैसे हालात की स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी मुंबई फायर ब्रिगेड ने अपनी कमर कस ली है। इसके लिए मुंबई के कई निचले इलाकों जैसे कुर्ला, बांद्रा, बोरीवली, मरोल, बीकेसी में फ्लड रेस्क्यू टीम तैनात की जाएगी। सेफ्टी का यूनिट है और एक फ्लड रेस्क्यू का यूनिट है। जो बीच सेफ्टी का जो यूनिट्स है वो 6 बीचेस के ऊपर, जैसे जो फ्लड रेस्क्यू के है वो जो लो लाइंग एरिया जैसे बांद्रा, बीकेसी, मरोल, कुर्ला, उसके बाद बोरुली, चेंबूर, ये जगह पे यहाँ पे 6 यूनिट ऐसे हम लोगों ने डिवाइड की हुई है। फायर ब्रिगेड की तरफ से हर साल मानसून से पहले इस तरह की तैयारी की जाती है। इसमें बाढ़ और समुद्र में डूबने जैसे हादसों के दौरान रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन का अभ्यास किया जाता है। यही नहीं, हादसे के बाद लोगों को सुरक्षित निकालकर उन्हें फर्स्ट एड मुहैया करवाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। राकेश त्रिवेदी, इंडिया 24/7, मुंबई।